सिल कर दोनों देखा देख ले पहले ऐसे लगा के देखा कहीं मेरा ये चप्पल कहाँ गया ये मिट्टी इधर मिलेगा चप्पल उधर है आंटी के नीचे पैर के है गाइज आप लोग कैसे हो आई होप आप लोग सुस्त होंगे मस्त होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और शॉपिंग में क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं साड़ी लेने क्योंकि ज्योत पत्रिका 25 सितंबर का है तो उसके लिए भाभी को सही साड़ी तो भाभी के लिए जा रहे हैं शॉपिंग करने। भाभी के लिए है मैं भाभी से बोली कि मैं अच्छी साड़ी नहीं लाऊंगी अगर ला दी तो आपको नहीं पसंद आएगा तो बोली चाहे जैसा ला देना हमें पसंद आएगा क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अच्छी ही लाऊंगी इस वजह से वो बोलती हैं तुम ही जाना। हम बोले नहीं आकांक्षा नहीं आप चलो मेरे साथ हम दोनों लेके आ जाएँ क्योंकि अगली बार जब हम उनके मायके उनकी बहन की शादी थी तब भाभी गई थी तो हम ही पसंद किए थे बस बैठे थे दोनों माँ बेटी तो इस वजह से भाभी हमारे पर बहुत विश्वास करती हैं उन्हें लगता है कि हाँ मैं साड़ी लाऊंगी तो अच्छी लाऊंगी तो इस चीज़ का उन्हें वेरी वेरी थैंक यू। अरे हालांकि सभी ठीक हैं बट ऐसा है उनको हमारे ऊपर पूरा एकदम कॉन्फिडेंस रहता है नहीं ये अच्छा ही लाएंगे और भैया भी पैसा पकड़ा देते हैं कि रेनू से रेनू अकांक्षा जाके ला लेंगे क्योंकि भाई कभी भैया लाते हैं भैया क्योंकि लक्ष्मीपति लाते हैं वो महंगी साड़ी लाते हैं 1500-1700 के बीच में साड़ी लाते हैं तो क्या है कि कभी पसंद नहीं आता तो रिटर्न उनको बार बार करना पड़ता है इस वजह से वो पैसा पकड़ा दे रहे हैं 2-3 बार से तो वो भी भैया अपने फुर्सत से ही है क्योंकि पैसा पकड़ाना बहुत अच्छी बात है कि पैसा पकड़ा तो जो अपने मन के लो भैया चाहे जैसा नहीं तो एक बार लाओ फिर रिटर्न फिर लाओ फिर रिटर्न और हम लोग लाते हैं भैया अच्छा निकला या नहीं अच्छा निकला आकांक्षा धमका देती है अगर नहीं अच्छा निकला बोलेंगे अच्छा नहीं हाँ नहीं अच्छा है पहनो ये तो चलिए। सो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी चलो हम लोग निकल रहे हैं जाइयो बिना पानी कैसे हो ही ना सके बा शेर बहुत बड़ा काम करुआ तू अरे यार उस बेटा पर रखे रहे बुलाए गए बिना पैसे के जाबू दुकान में कपड़े ले लेबू कर पैसा हेरे लगू पर्ची भाई है ना पूरी का खान अच्छा हुआ तू ख्याल कराए तू ना तो दे हम गए मेडिसिन ले दवा ले गए रहे तो उसी सोचे रहे पैसा लिया तो उसी दिन भुला गए रहे पैसा अगर ले गई हो वही दिन लेके आए हो साड़ी लेकिन पैसे ना ले गए रहे मैं तू तेजे बैठू। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं इतनी गर्मी थी हम लोग आ गए मॉल में थोड़ा सा ये हुआ कि थोड़ा एसी का हवा भी ले ले गर्मी दूर हो जाएंगे और थोड़ा घूम भी टहल लें देखें वहाँ से आ गए यहाँ पे डेकोरेशन की सामान के लिए सोचे कुछ अच्छा मिल जाए तो इसको ले लें बट बहुत महंगा था तो हम आ गए हैं शॉपिंग शॉप पे जहाँ हमें लेना है साड़ी चलो पहले उनके लिए ब्लाउज ले ले भदू मम्मी के लिए लेना है तो आप लोग देख सकते हैं इतना सारा ब्लाउज की दिमाग की काम नहीं कर रहा कौन सा लें लेकिन नहीं मैंने आ गई यहाँ साड़ी के पास साड़ी बहुत सारी देखो तो समझ में नहीं आता आप लोग देख सकते हैं ये साड़ी मैंने वेयर कर रखी है कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और अगर आप सबको देखना है कि मैं कौन सी साड़ी लिए हूँ तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में घर आके अपनी साड़ी दिखाऊंगी कौन कौन सी साड़ी ली हूँ तो आप लोग बताइएगा ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर और सबके ऊपर कैसे लगेंगी ये भी साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है बट ब्लाउज थोड़ा लाइट है तो भाभी के हिसाब से देखना पड़ रहा है हमारे लिए तो बहुत अच्छा है बट भाभी के हिसाब से देखना पड़ रहा है वो उनके ऊपर कैसा लगेगा कैसा नहीं वैसे भी उनके ऊपर डार्क कलर कम सूट करता है लाइट कलर ज़्यादा सूट करता है तो इतनी सारी साड़ियाँ रखी है आप लोग बताइएगा आप लोग को कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है वैसे भी वीडियो में आप सबको उतना नहीं समझ में आएगा जितना पास में समझ में आता है और एक साड़ी एक सिंपल है आप लोग ये भी देख सकते हैं इसे भी मैं देख रही थी और मैं कौन सी साड़ी ली हूँ अगर आप लोग यही सोचते हैं कि कौन सा साड़ी ली है बता नहीं रही हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा कि मैं कौन सी साड़ी ली हूँ। वैसे साड़ियाँ सब अच्छी रहती है कोई ना कोई साड़ियाँ सब लोग ले ही लेते हैं लेकिन अपने लिए कौन सी बनी है पता नहीं
ये है, ये ब्लैक कलर नहीं, वो हल्का सा थ्री कलर में है, बट बहुत ज़्यादा ओवर था। और ये चुनरी टाइप है, ये भी अच्छी लग रही है। देखो आप लोग बताइए, गेस करिए मैं कौन सी साड़ी ली हूँ, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें आप सबको समझ आ गया होगा कि नहीं ये साड़ी ली है, अगर नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो हमारा ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कौन सी साड़ी ली हूँ, ये भी साड़ी अच्छी लग रही है। वैसे सारी साड़ियाँ अच्छी हैं, सबके लिए सबके हिसाब से है। और ये साड़ी देख सकते हैं, ये तो मुझे बहुत बहुत सुंदर लगी, और वैसे भी ये है भी सुंदर, पास से देखने में और ही सुंदर है, थोड़ा दूर कम समझ में आ रही है। तो आप लोग बताइएगा मेरे ऊपर कैसी लग रही है। ये देखो यार, यही वाला कैसे मीटर है, यही वाला ले ले, टाम दे बैकग्राउंड के लिए पूरा वीडियो। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने, जो कि साड़ी हो गई है, साड़ी परचेज कर ली है। ये वाली ले ले, कैसे मीटर दे रहे हैं देख ले, लंबाई में भाई कैसे है, पहले उसको देखो तो। अरे पूरा मीटर है, ऐसे गोल्डन लगा दे पूरा। लहंगा महंगा कुछ होगा, उसको लगा, इसको इसको नीचे से लगा उसको। कवर और क्या बोलते हैं वो, सोफा कवर। बुआ के अकाउंट अब खाली हो जाते हैं। अरे क्या अंकल, रुक जाइए, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, इनका पर्स खाली हो रहा है। इतना धीरे धीरे गिने थे पैसे। मम्मी सोच रहे ब्लाउज ली, इसका भी दे दीजिए अंकल, अगर इससे सिलाएंगे तो इसमें अस्तर तो नहीं लगेगा, जाड़ा है, अस्तर तो नहीं लगेगा। अस्तर वैसे भी नहीं लगेगा, उस पे रिवर्ट कपड़ा है, नहीं लगेगा, इससे थोड़ी होता है, गर्मी भी नहीं लगेगी। अरे भाई, एक ये वाला कोई नहीं है। अरे बेटा, इतना थोड़ा होता है, 10-20 रुपए कम आ तो ठीक है। आप नहीं, पहले ये भी ऐसे सिलाएंगे हम ले जाते हैं। हां वही तो मैं कह, नहीं नहीं, अरे 1150 सही है बेटा, ये वाला येलो वाला होलसेल का दाम लगा है, 1150 से होगा। ये 80 नहीं नहीं सही होगा बेटा, ये भी बहुत प्यारी प्यारी बनेंगे, तो इसमें काम ये जाते हैं उसी में कर देंगे। तो ये वाला ले, 1150 लगेगा, उसमें का 2-3 दिखा दीजिए। इतना थोड़ी होलसेल होता है कि आप 1200 कपड़ा पे 1000 ले लो, 200 रुपया कम होगा, 10-20 रुपये हम लोग कमाए। कहाँ अभी छपने जो है नंबर आप नोट करना, कर लो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा अंकल, हेल्दी है तो एक्सक्यूज मी, कैसे दिखाते हो कहना यार, तो इधर का ही वाला है। चलो जाओ फिर, यहाँ देख रहे थे, देखो कॉटन है, देखने क्या मम्मी के लिए। लो इसका बताइए हमको भैया, ये कितना कितना आपको? 80-80। चप्पल आंटी के नीचे पैर के है, हाँ वो आगे आगे ही अच्छा लगेगा, जो कुछ लोग पीछे करवाते हैं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में इस साड़ी के ब्लाउज में डिजाइन है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग को यही दिख रहा होगा कि सिंपल है, सिंपल है, बट नहीं पार्टी वियर है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना वीडियो में नहीं कैच कर पा रही हूँ, और मेरी एक आदत है, मैं कहीं भी साड़ियाँ लेती हूँ तो उसे वियर कर जरूर करती हूँ, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो वैसे भी मैं शॉपिंग कर चुकी थी, बट यहाँ पर भी आ गई थी कि कुछ अपने लिए ले लूँ, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं साड़ी ले लूँ, क्योंकि वीडियो शूट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ शॉर्ट बनाने के लिए, तो सोचती हूँ थोड़ा ले लूँ, फिर
आकांक्षा मुझे मोटिवेट कर रही है आकांक्षा कि अभी से बुआ क्यों लेंगे, तो यहाँ पे आ गई हूँ। 1300 अच्छी लग रही है, इसका ब्लाउज बहुत अच्छा है यार, ये देखो फोटोग्राम में देख लो खुद ही क्या पलट रहे हो। भैया कैसे दे रहे हैं आप? कीड़ा दे रहे हैं तो सो गाइस आकांक्षा ले रही थी चिप्स देख सकते हैं आप लोग और हम लोग की सब। चलो पानी पूरी खिला देते हैं और साड़ी हो गई है, शॉपिंग हो गई है। घर चल के दिखाते हैं साड़ी कैसी लिए हैं, अच्छी साड़ी है, एक थोड़ी सी भारी है और दूसरी वाली थोड़ा हल्की है। वैसे जाने वाले थे हम लोग घर बदलापुर शॉपिंग करने, बट ये हुआ कि वहाँ 2-3 दुकान है, उससे ज़्यादा पसंद नहीं आती साड़ी वहाँ पे। अगर जौनपुर आ गए तो एक से दुकान है, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से पसंद हो जाती है कि नहीं आता नहीं पसंद आता, ज़्यादातर हम यहीं से लेके जाते हैं। भैया जाते हैं तो कभी भाभी भैया वहाँ से लाए होंगे, अगर जब से हम ला रहे हैं साड़ी एक बार दो बार शॉपिंग मतलब मजबूरी में। वैसे ज़्यादातर शॉपिंग हम लोग करने जौनपुर ही आते हैं, क्योंकि जौनपुर का कपड़ा हम लोग को भाग गया है ना, तो और कहीं कपड़ा भाता ही नहीं। यहाँ तक कि मैं नागपुर गई थी वहाँ भी नहीं भा रहा था, हाँ लेकिन रेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। क्या बोलते हैं कानपुर में, तो मैं यहाँ पर्दा देखूँ, पर्दा लगा है। अगान चलाई है बैग हाथ में लेके, हम अभी कॉलेज से आओ तुरंत पानी पी लो। आज मैं बिल्कुल मना ही नहीं, साड़ी कब से हम लेके चल रहे थे पैदल, अभी जब इसको लेना हुआ तो बोल रही बैग में रख ले, और जब वहाँ से निकली तब नहीं खा लू, अब नहीं बैग में रख ले। चलेंगे अपना।